आज हम आपको कुछ अलग वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि सभी लोग परेशान हैं, तो आज हमारे यहाँ सुबह से ही मौसम ख़राब था और 9 बजे से लगातार बारिश हुई है और इस समय धूप हो गया है और आप देख सकते हैं इधर चारों तरफ पानी लगा है, मतलब बहुत ही अच्छा खासा बारिश हो गई है। यहाँ हम लोग तो उत्तराखंड में हैं तो पहाड़ी एरिया है, तो कभी बारिश, मतलब जब मौसम आ जाता है बारिश का तो कभी बारिश होती है तुरंत धूप हो जाता है, फिर बारिश होती है धूप हो जाता है, तो ऐसा ही मौसम बना हुआ है, कभी छांव कभी धूप, ऐसे ही मौसम सुबह से लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग को गर्मी से राहत मिली है सबको, अब एकदम मौसम अच्छा हुआ है, मौसम सुहाना एकदम मस्त, अब गर्मी नहीं लग रही है, राहत सबको मिली है। तो अंदर आ गई मैं रूम में, ये हमारी रही बिटिया। ये क्या बना रहे हो बेटा? इसको सीधा करिए, इस बगल वाले, इस बगल वाले सीधा करिए, वो उधर उधर वाला वो वाइट, हाँ तो ये फैमिली वैल्यू है। फैमिली वैल्यू जैसे फैमिली में क्या सिखाती है, शेयरिंग, केयरिंग, काइंडनेस और हॉनेस्टी, ओके, ये सब चीजें इसमें। कितना सुंदर हमारी बिटिया ने बनाया है, पहले तो ऊपर रेनबो बना दिया और उसका ये स्माइल बनाया है, आंखें और मुंह बना दिया और इस तरह से कितना प्यारा सा बना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चे भी छुट्टी चल रही है तो अपना स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं। ये रहे हमारे बेटा, आप क्या कर रहे हो बेटा? मैं अपनी हार्मोनियम फाइल बना रहा हूँ। ओह, ये भी हार्मोनियम फाइल बना रहे हैं, तो मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। ये टाइम में क्या कर रहे हो बेटा? अरे इसमें से वो देख रहा हूं। अच्छा, उसमें से सिलेबस देख रहे हो अपना, तो ये लोग अपना सब कर रहे हैं, हम भी चल रहे हैं अपना कुछ करने। सुबह से ही बारिश हो रही थी तो जैसे ही मैं नहा के आई कपड़े फैलाने के लिए तुरंत बारिश आ गई और सुबह से अब तक मतलब कंटिन्यू हो ही रही थी, अब जाके धूप हुआ है तो अब हम अपने कपड़े जो हैं अब हम बारिश के बाद धूप में इसको फैला दें, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी तो कपड़े मैं फैला नहीं पाई थी, तो सारा कपड़े मैं डाल दूँगी। तो कपड़े सारा हमने फैला दिए, अब चलते हैं नीचे और इधर देख सकते हैं मानसून बहुत ही अच्छा हो गया है, मौसम बिल्कुल हरा भरा, लेकिन अब धूप हो गई है। देखिए धूप ही रहती है या फिर बारिश होती है, मौसम तो मतलब ऐसा है, कभी धूप हो जा रही है कभी छाए हो जा रहा है। चलते हैं नीचे कुछ और दिखाते हैं आपको। गए हम आ गए किचन में और आज हमारे हस्बैंड आए हैं हरियाणा से, तो हरियाणा का फेमस जलेबी लाए हैं लाला माथुराम हलवाई के यहाँ से, शुद्ध ये 100% शुद्ध देसी घी से बनता है उनके यहाँ, मतलब ये जलेबी इतना फेमस है कि मतलब लाइन में खड़ा होना पड़ता है, आधे घंटे खड़े होकर मेरे हस्बैंड हम लोग के लिए फैमिली के लिए जलेबी लेके आए, तो चलिए देखते हैं जलेबी कैसा है। वाह, सच में वाकई आधा घंटा खड़ा होकर एक घंटा उस लाइक जलेबी दिख रहा है, तो आपको मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। वाह, आप देख सकते हैं कितना रसीला है एकदम बीच से, बहुत ही टेस्टी है और इसका मतलब ये है कि जितना ये ठंडा होगा उतना ही ये खाने में अच्छा लगता है, ऐसा ये जलेबी है। बाकी जलेबी तो होता है कि गर्मे गर्म अच्छा लगता है, लेकिन ये जितना ठंडा होता है उतना अच्छा लगता है और कई दिन का हो जाता है तो और अच्छा लगता है। तो कभी हरियाणा जाएं तो इस जलेबी का टेस्ट जरूर लाएं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।